हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक बताने वाली हूँ, जो कि 6 मंथ से लेके 1 साल की बच्ची के लिए है, जिसकी लेंथ 9 इंच है और विड्थ 10 इंच है। और ये सिंगल पीस फैब्रिक लिया है मैंने, इसको फिर मैं 4 फोल्ड करूँगी। सबसे पहले हम नेक डेप्थ मार्क करेंगे 2 इंच पे। और नेक विड्थ भी हमने 2 इंच लिया है। इस तरीके से मार्क करने के बाद एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से इस स्क्वायर पे हमें कटिंग कर लेनी है। और ये योक नेक बेबी फ्रॉक बनेगा, तो इस तरीके से हमें एक योक का पैटर्न कट करना है और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करके बीच में से हमें इसको कट कर लेना है। फिर हमें एक और फैब्रिक पीस लेना है, बिल्कुल एक सेम साइज का, इस तरीके का, और इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसको भी हम फिर बीच में से कटिंग कर लेंगे। फिर हमको सिलाई लगानी है, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और हमें रॉन्ग साइड पे इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फ्रॉक कैसी बनी है। और ये फ्रॉक बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम कपड़े में ये फ्रॉक बन के रेडी हो जाती है। और इस फ्रॉक को बनाने में मुझे 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक लगा है और इसमें मैं ब्लैक कलर का इसमें फ्रिल बना के इसके योक पे मैं अटैच करूंगी। और ये आप 1 ईयर की बेबी तक को आप पहना सकते हैं। अगर बच्चा तंदुरुस्त है तो वो 6 मंथ में भी ये फ्रॉक अच्छी खासी उसको आ जाएगी। स्टिच करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, कॉर्नर पे भी हम कट लगाएंगे ताकि जब हम पलटें तो किसी किस्म का झोल ना आए। फिर इस तरीके से पलटने के बाद हम राइट साइड पे इसको इस तरीके से पलट लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बैठ जाए। मैंने आयरन कर लिया है। फिर हमने ये 2 फैब्रिक पीस लिया है बॉटम के लिए, जिसकी लेंथ 12 इंच है और विड्थ 21 इंच है। फिर हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे ओपन साइड से। आर्म होल का निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से, एक स्क्वायर बॉक्स बना के आर्म होल की गोलाई दे देंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। और बहुत ही कम वक्त में ये फ्रॉक बन के रेडी हो जाती है। इस फ्रॉक को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये देखिए मैंने कट कर लिया है। फिर हम ऊपर की साइड मशीन का टांका बड़ा करके एक सिलाई लगा लेंगे और फिर हम छोटे छोटे इसमें गैदर्स देंगे। गैदर्स का तरीका, कैसे गैदर्स दिया जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको डिटेल में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके डिटेल में गैदर्स बनाने का तरीका देख सकते हैं। और वैसे ये गैदर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हमने मशीन का टांका बड़ा करके एक सिलाई कर ली है और हम जो शटल वाला धागा है, नीचे वाला धागा, उसको पकड़ के हम हल्के हाथों से इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से हम गैदर इसको देंगे। ये मैंने गैदर्स दे दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे पीस में भी गैदर्स बना लिए हैं। फिर हमने ये एक स्ट्रिप ली है, ये स्ट्रेट पट्टी है जिसकी विड्थ 2.5 इंच है। इसको मैंने इस तरीके से बीच से जोड़ा है। जितना आपका योक है उससे आप डबल कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि हमें फ्रिल डालनी है तो इसलिए हमें डबल कपड़ा लेना है। और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके मशीन का टांका बड़ा करके हमको सिलाई लगा लेनी है ओपन साइड से। अगेन हम शटल वाला धागा पकड़ के खींचेंगे। ये देखिए मैंने येलो कलर का शटल में धागा लगाया था, तो इसको हम पकड़ के हल्के हाथों से खींच के इस तरीके से हम फ्रिल बना लेंगे और इसको इस तरीके से योक पे रखते हुए हमें इसके चारों साइड पे अटैच करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको हमें अंदर की साइड रखनी है।
इस तरीके से हमें फ्रिल को सेट करते हुए अटैच कर लेना है। फिर इस तरीके से फ्रिल को हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए योक कप जो है राइट साइड होना चाहिए, तो इस तरीके से हम फ्रिल को योक पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और फ्रिल जो है हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए इस तरीके से, उसका किनारे वाला बाहर की तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। फिर जब कॉर्नर पे आए तो मशीन की सुई अंदर ही रहने दें और इस तरीके से हमको सिलाई लगा के कॉर्नर को इस तरीके से हमें घुमाना है और फ्रिल को अच्छे से सेट करना है। और फिर इस तरीके से हमें कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इस तरीके से फिर फोल्ड करते हुए हाफ इंच इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे अच्छे से एक बार और सिलाई कर लें ताकि ये अच्छे से मजबूती के साथ यहाँ पे फ्रिल अटैच हो जाए। और इस तरीके से हमारा योक के साथ फ्रिल अटैच हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें बॉटम पार्ट को योक के साथ अटैच करना है इस तरीके से, राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से अटैच करते हुए हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये इस तरीके से फ्रिल ये ऊपर आ जाएगी। फिर इसी तरीके से हम बैक पार्ट में बॉटम को अटैच करेंगे इस तरीके से, दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और इस तरीके से बॉडी के साथ बॉटम अटैच हो जाएगा। फिर हम आर्म होल को फिनिश करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस बाइस स्ट्रिप लिया है, 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है और इस तरीके से हमें राइट साइड पे रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। दोनों आर्म होल पर इस तरीके से स्ट्रिप को रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है किनारे से एक पैर के मार्जिन से। स्टिच करने के बाद हम दोनों आर्म होल पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें दोनों आर्म होल को फिनिश कर लेना है। ये हमने आर्म होल दोनों के फिनिश कर लिए हैं तरीके से। फिर हम साइड की फिटिंग लगाएंगे इस तरीके से, दोनों साइड पे हमको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिर हम बॉटम को बारीक डबल फोल्ड करके इस तरीके से गुलाई में पूरी स्टिच कर लेंगे।
और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह सी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।